मैं और मेरी फ्रेंड रोशनी, हम दोनों एम्बिशियस हैं। वो हीरोइन बनना चाहती थी और मैं एक डांस मास्टर। एक रोशनी मैम सबका फोन आया था, ये उनका मोबाइल नंबर है, आप इनको फोन कीजिए। किसका फोन है? किसी राजा का फोन है, आर्टिस्ट गैलरी से, तुमसे बात करना चाहता है। ओके, हेलो। रोशनी में तुम्हारे इस रोमांस के लिए तुम्हारा करियर बर्बाद होते नहीं देख सकती। मौसम आए मौसम जाए, दिल को तेरी याद सताए, दर्द का सूरज चढ़ता जाए, पल हर पल गम बढ़ता जाए, पल हर पल गम बढ़ता जाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने रोशनी कपूर खड़ी है, वो फिल्म एक्ट्रेस रोशनी कपूर। लेकिन तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया कि तुम फिल्म एक्ट्रेस रोशनी कपूर हो? राजा, एक्चुअली मैं तुमसे एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह प्यार करना चाहती थी, एक फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं। खुलकर बिखर जाने दे अपनी जुल्फों को तू, हाले से सुन ले इस दिल की धड़कन को तू, अरे बाहों में भर ले इस प्यार के सागर को, ओ ओ ओ बाहों में भर ले इस प्यार के सागर। सर आपके पास वो है? वो क्या? वो कुछ समझ में नहीं आया। सर गर्लफ्रेंड को लेके घूमने जाते हैं और वो जो साथ में रखते हैं ना वो। पंकज, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम क्या चाहते हो, बेटा या बेटी? ममता, मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह एक बेटी चाहिए। 6 महीने पहले ममता दीदी प्रेग्नेंट थी और तब एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए। तुम मेरे स्वीट में आना चाहोगे? ठीक है, आता हूँ। एक मिनट, ये प्लेट्स और डस्टबिन क्लियर कर दो। तुम्हारे दिल में न जाने अब मेरे लिए कैसी भावना होगी। सिकंदर और मैं तो बचपन के दोस्त हैं। कल रात बियर बार में शराब के नशे में मैंने अपने दोस्तों को रोशनी और तुम्हारे बारे में सब बता दिया। यार तुझे क्या लगता है, तेरी इस गलती को माफ करने से रोशनी वापस आ जाएगी? अब तो रोशनी कपूर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम जानते हो, रोशनी कपूर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आ रही है और मैं तुम्हारे लिए उनका फोन नंबर लेकर आई हूँ। कहीं तुम्हारा नाम राजा तो नहीं? जी मैं ही राजा हूँ। इन दैट केस तुम रोशनी से नहीं मिल सकते। लीजिए, आ गई आपके रोशनी जी, मिल लीजिए इनसे गले। इस लड़के का रोशनी से मिलना ठीक नहीं, उसके इमेज पर गलत फर्क पड़ेगा। प्लीज शशि, मुझे एडवाइस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अब आगे मुझे क्या करना है। राजा भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी इस रोमांस के चक्कर में हम सबकी जान खतरे में आ गई है। राजा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि रोशनी से तुम्हें दूर रहना चाहिए। आज रोशनी कपूर एक सुपरस्टार है और सब कुछ उसके पास है, पर मेरे पास सिर्फ मेरी वर्जिनिटी। देखा करे